पांच राज्यों में चुनावी रण में दूसरे चरण का प्रचार प्रसार आज शाम 5 बजे से थम गया। 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग के बाद मात्र 3 दिनों का वक्त था अगले चरण की वोटिंग में। 14 फरवरी को होने वाली दूसरे चरण की वोटिंग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में होनी है। 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होना है। दूसरे चरण में इस बार 586 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ठीक इसी तरह इसी दिन उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में 632 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों पर भी 14 फरवरी को ही वोटिंग होनी है। गोवा में इस बार 301 प्रत्याशी चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। दूसरे चरण में 3 राज्यों में चुनाव है और इसलिए सभी राज्यों में राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता प्रचार का आखिरी दिन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। उत्तराखंड के रुद्रपुर में आज प्रधानमंत्री मोदी प्रचार करने पहुंचे। उत्तराखंड ही नहीं, पीएम मोदी ने यूपी के कन्नौज में भी तीसरे दौर के लिए पार्टी का प्रचार किया। आज सुबह गृहमंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड में प्रचार के मैदान में उतरे। देहरादून, टिहरी, गढ़वाल होते हुए वो हरिद्वार भी पहुंचे और वहां गंगा आरती में शामिल भी हुए। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी दूसरे दौर की सीटों के लिए सहारनपुर और अमरोहा में पूरा जोर लगाया। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी उत्तराखंड के खटीमा, हल्द्वानी और श्रीनगर में जन समर्थन जुटाती नजर आईं। चुनावों में सभी चरणों में उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी। यानी यूपी की राजनीति हर चरण में गर्मा गर्म रहेगी। मुद्दे उछलते और उछाले जाते रहेंगे। जैसे इस वक्त मुद्दा कहीं और का और उसकी गर्मी से यूपी की राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही। यूपी चुनाव में कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब बैन का मुद्दा गूंज रहा है। हिजाब का समर्थन करने वालों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खुला ऐलान है कि देश और उत्तर प्रदेश शरिया कानून से नहीं संविधान से चलेगा। देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी। भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी एहसास कराता है और मुझे लगता है कि हमें देश के संविधान को के अनुसार व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। शरीयत के अनुरूप चलाने का कोई भी गलत प्रयास न समुदाय के हित में है न देश के। अखिलेश पहले ही जिन्ना के मामले में सवालों की बौछार झेलते रहे। मुस्लिम वोटरों को लुभाने की हर कोशिश करने वाली समाजवादी पार्टी फिलहाल हिजाब के मामले में कुछ भी स्टैंड नहीं ले पा रही, इसीलिए जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो उनको सुनाई नहीं देता। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। उनसे जब पूछा गया तो उनको सुनाई नहीं दे रहा है। बोले ऊंचा बोलो। यानी लफ्ज मुसलमान अगर आपके कान के और दिल में नहीं पहुंच रहा है तो क्या पैगाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के आप अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को? गलत पैगाम जा रहा है। हिजाब के अलावा अखिलेश की मुसीबत उन्नाव कांड ने भी बढ़ा दी है। 2 महीने पहले अगवा हुई दलित लड़की की लाश जब एक कोठी की दीवार के पास जमीन खोदकर निकाली गई, तो कनेक्शन एसपी सरकार के पूर्व मंत्री के परिवार तक जुड़ गया। अब पीएम मोदी से लेकर योगी और बीजेपी का हर दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी को गुंडागर्दी का दूसरा नाम बता रहे हैं। ये तो समाजवादी पार्टी के जींस का हिस्सा है। अपराध, पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देना, दुराचारी और दुष्कर्मियों को संरक्षण देना, इनके उसका हिस्सा है और यह जनता जनार्दन ये सब देख रही है। एक खंडन करने से नहीं होगा, सच्चाई को उनको सामने रखना होगा। जिस पर आरोप है उससे समाजवादी पार्टी का कोई नाता नहीं है। पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जहां तक जो समाजवादी पार्टी में वो 4 साल पहले मर चुके हैं जिन पे आरोप है बेटे पर, वो पार्टी के किसी भी संगठन में किसी भी पद पर और कोई सदस्य पार्टी के नहीं है।
दूसरे चरण में जिन 55 सीटों पर वोटिंग होनी है उसका इतिहास बीजेपी की ठीक ठाक स्थिति दिखाता है। अगर 2017 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो 55 सीटों में से बीजेपी को 40% वोट के साथ 38 सीटें हासिल हुई, जबकि समाजवादी पार्टी को 28% वोट के साथ 15 सीटें और कांग्रेस को 8% वोटों के साथ 2 सीटें हासिल हुई। बीजेपी को पता है कि दूसरे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें हिजाब और उन्नाव कांड का मसला ही मतदाताओं के मन की दिशा बदल सकता है, इसीलिए इसी पर फोकस रखकर आज प्रचार खत्म हुआ। कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।